एशिया कप का चैंपियन बन गया है। 10 विकेट से श्रीलंका को भारत ने बदतरीन शिकस्त दे दी है कि भारत ने एशिया कप 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया है और इस तरह भारत 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन गया है। महज 51 रन का हदफ दिया था श्रीलंका की टीम ने और बगैर किसी विकेट के नुकसान के भारत ने यह हदफ अबूर कर लिया है और इस तरह भारत ने 8वीं मरतबा एशिया कप अपने नाम कर लिया है। परखच्चे उड़ते हुए आपने कभी किसी टीम के बहुत कम ही देखे होंगे। मेरा एशिया कप 23 अपने नाम कर लिया है इंडियन टीम को। शानदार परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस एक ऐसी टीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल रहा, उनके ऑप्शंस की वजह से इनको थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की जो सालों की मेहनत है अपने टैलेंट को नर्चर करने की, उसको आगे प्रमोट करने की, वो काम आ गई और यहाँ उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की और एशिया कप 2023 अपने नाम कर लिया। एयर हो गई है लंका ढाणे में। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने अहम किरदार अदा किया है। मोहम्मद सिराज ने 21 रन के एवज 6 विकेट हासिल की। पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। कुशाल परेरा, सुधीरा सांका और कप्तान भी 0 पर आउट हुए। एशिया कप में तो सबको स्ट्रगल करते हुए देखा सिवाय भारत के, जो लास्ट में उन्होंने 2 मैचेस खेले। तो ये तो बड़ा बूस्टअप इन्हें मिला होगा और एक टीम जो कि बिखरी हुई दिखाई दे रही थी 2 मैचेस से एकदम से यूनाइट होके नजर आ रहा है लड़के हमें। बिल्कुल उल्टा हो गया। देखें हमारी टीम टॉप पे थी, हर कोई हमारी टीम की बात कर रहा था, हमारे फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा था, तो हमारे वाले टीम की, जो पाकिस्तान की टीम थी, तो वो बारे में से हवा निकल गई। मगर ये कि इंडियन टीम अचानक ऐसी लग रही है कि जैसे कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता और ये इस किस्म की चेंजेस आती हैं। और देखें इसमें 2-3 चीजें हैं। आप ये देखिए कि इंडिया के लड़के कोई दुनिया भर में क्रिकेट खेलने नहीं जाते। हमारे वाले अभी इस टूर्नामेंट से पहले दुनिया भर में क्रिकेट खेल रहे थे, कनाडा, इंग्लैंड, श्रीलंका, पता नहीं और किधर किधर, भाई फेरू में हर जगह मैच खेल रहे थे। नतीजा क्या हुआ? अनफिट हो गए, सारा रिदम टूट गया।